हेलो एवरीवन, ये है मेरा फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग और आज हम जाने वाले हैं बरवाडी हिल के वॉच टावर पे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देख सकते हैं आज मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए हमने सोचा कि आज हम एक ट्रैवल ब्लॉग ज़रूर शूट करेंगे और इसलिए हम चल चुके हैं बरवाडी। हम देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी हमारे चारों ओर और ऐसे मौसम में बाइक राइड का मजा ही कुछ और है। बरवाडी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा और आप देख रहे हैं कितनी सुंदर ये नज़र आ रही है हिल छोटी सी, हर तरफ ग्रीनरी। ये जो रास्ता है ये बेतला नेशनल पार्क भी जाता है और काफ़ी लोग गए भी होंगे, झारखंड का सिर्फ एकमात्र नेशनल पार्क है और हर तरफ ग्रीनरी। ऐसा लग रहा था जैसे यहीं पे रह जाऊँ और कहीं जाऊँ ही नहीं, बट हमारा डेस्टिनेशन था बरवाडी हिल। और आपने भी एक बोर्ड देखा होगा, वो वहाँ से बताया जा रहा है कि 10 किलोमीटर से बेतला नेशनल पार्क, बट हमें बेतला नेशनल पार्क नहीं जाना, हमें बरवाडी जाना है। तो बरवाडी के लिए एक अलग ही रास्ता है। और ये है किचकी ब्रिज और आप ये जो नदी देख रहे हैं ये नीचे से ये औरंगा रिवर है, काफी ब्यूटीफुल है। यहाँ पे काफी लोग आते जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। आप वो जो ब्रिज देख रहे हैं राइट साइड में वो रेलवे की ब्रिज है और उसके नीचे वहाँ पे वो किचकी, वहाँ पे बोलते हैं सभी, तो वो किचकी है वो और वहाँ पे काफी लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और ये फॉरेस्ट डेवलप्ड एरिया है। और यहाँ पे हमेशा लगातार होल ईयर आते जाते हैं लोग। और आप ये बोर्ड देख सकते हैं बड़ा सा, वेलकम टू बेतला नेशनल पार्क। और यहाँ से जो अलग ही सीनरी है ये देख सकते हैं आप, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, कोई नजर नहीं आ रहा है। एक बाइक वाले भाई साहब खड़े हैं इन सड़क का, लगता है कोई काम चल रहा है। आसमान भी काफी साफ लग रहा है, ब्लू स्काई, ये सिटीज में ये देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे काफी पॉपुलेशन कम है इसलिए इस तरह की आपको सीन देखने के लिए जरूर मिल जाएगी जो सिटीज में कभी भी नहीं मिलती। और ये देख सकते हैं खेत है यहाँ पे, एक्चुअली इन सारी जगहों में बाइक से जाने का मज़ा ही कुछ और है। कार तो आप जा सकते हो, कार जाते हैं, कार भी जाती है वहाँ पे, बट जो मज़ा बाइकिंग में है वो ड्राइविंग में नहीं है।
और मेरे लेफ्ट साइड में जो हिल दिख रहा है वो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। नेचुरल ब्यूटी की बात ही कुछ और होती है। दूर दूर तक ग्रीनरी और एक ये फ्यूल स्टेशन है। ये खेत है, और ये हम पहुंचने वाले हैं बेतला मोड़, इसे बोलते हैं। और यहाँ से हम लेफ्ट अगर जाते हैं तो हम बेतला नेशनल पार्क की ओर निकल जाएंगे, और राइट जाते हैं तो हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएंगे जो कि बरवाड़ी हिल। और ये हम पहुंच चुके हैं बरवाड़ी हिल, और आप देख सकते हैं कि आपको एक मोबाइल की टावर नज़र आ रही है, हमें वहीं जाना है, वही डेस्टिनेशन है हमारा। जाने के लिए थोड़ी सी कच्ची सड़क मिलेगी आपको जो एक रेलवे लाइन के पैरेलल जाना है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा 5 से 7 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम। और हम पहुंच चुके हैं बरवाड़ी हिल के, यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 400 से 500 सीढ़ियाँ होंगी कम से कम। हम चढ़ते चढ़ते काफ़ी थक चुके थे। यहाँ से नीचे का व्यू काफी शानदार है। ये मेरा दोस्त शुभम, हम दोनों साथ में गए थे। और ये आप देख रहे हैं बरवाड़ी रेलवे स्टेशन, जो रेलवे लाइन आपको दिख रही है। यहाँ तक आते आते हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, लेकिन हमें तो और भी ज़्यादा ऊपर जाना था। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट्स हैं, देखिए जैसे ये यहाँ पे कितना सुंदर व्यू है, हिल्स, फॉरेस्ट, छोटे छोटे घर, रेलवे लाइन, एक कॉम्बिनेशन है नेचर का और इंसानों द्वारा बनाए गए चीज़ों का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप भी काफ़ी कड़ी लग रही थी, यहाँ पे स्किन जल रहा था, काफी थक चुके थे फिर भी हमें जाना ही था।
और यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। और ये हिल चढ़ने ही काफी बड़ा एक्सरसाइज हो जाता है। और हम पहुंच चुके हैं मंदिर। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये हनुमान मंदिर बरवाड़ी बोला जाता है, जो कि बरवाड़ी हिल पे ही है, आप देख चुके हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा सारे भगवान के यहाँ पूजा की जाती है, जैसे हनुमान जी को आपने देखा, और एक और है शिव जी की एक छोटी सी, ये आप देख सकते हैं शिवलिंग है यहाँ पे एक। और आगे ऊपर हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे काली माता की एक मंदिर भी है जो काफी ज्यादा पुरानी है। अरे देख सुनते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, कितना सुंदर ये जगह है। हल्का डेंजरस भी है क्योंकि ऐसे मौसम में सांप बिच्छू वगैरह काफ़ी निकलते हैं। और यहाँ फिसलन भी कभी कभी काफ़ी होती है जब बारिश हुई होती है तो, बट सुंदर काफ़ी लग रहा है ये जगह, ये फॉरेस्ट है बिल्कुल। ये जगह देखिए क्या मजेदार जगह है, ऐसा लग रहा है ये रोड टू हेवन है। यहाँ भी काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, 150 से 200 सीढ़ियां होंगी कम से कम। और सीढ़ियां चढ़ने के बाद थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी है, फिर हम पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे रुककर हमने एक दो फोटो भी लिए थे अपने, जो मैंने फेसबुक पे भी डाला है और इंस्टाग्राम पे भी। और आप देख सकते हैं मेरे फोटोज को, और इंस्टाग्राम आईडीज पे आप फॉलो भी कर सकते हैं मुझे, मैं उसके लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और काफी खुश है मेरा दोस्त शुभम। जगह ऐसी है, आपका जो थकान होगा ना वो लगेगा ये वर्थ इट है। और यहाँ पहुंचने के बाद बिल्कुल थकान लगेगा भी नहीं, इतनी ताज़ी हवा आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर। और यहाँ पे जो हमने दिखाया था आपको ये टावर, ये मोबाइल टावर है, हमें इसी के पीछे में जाना है, वहीं पे वॉच टावर है, ये काफ़ी पुराना मोबाइल टावर है। यहाँ पे लगता नहीं है कि ये कोई रहता भी है, एक छोटा सा रूम बना हुआ है यहाँ पे। मेरे ख्याल से जाना मना है, लेकिन फिर भी लगता है कुछ लोग चले ही जाते होंगे, ये हमारा इंडिया है। और देखिए ये हमने बताया था कि कच्चा रास्ता मिलेगा, हल्का सा सीढ़ी खत्म होते ही। क्या ब्यूटीफुल जगह है, इसी जगह पे एक मुझे स्नेक भी दिखा था, उसका वीडियो मैंने बना नहीं पाया, मैंने मिस कर दिया वो शॉट। और ये देखिए पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेड़ गिरा कर रखा हुआ है, बट मुझे लगता है ये हवा से गिर गया होगा। तो थोड़ा सा हम जाने में आगे कतरा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने हल्का सा रिस्क लिया
और ये हम आ गए जो मैंने बताया था काफी पुराना एक काली माता जी का मंदिर है यहाँ पे। देखिए काफी ज्यादा पुराना मंदिर है, माता के दर्शन आपको करवाते हैं। ये मूर्ति काफी पुरानी लग रही है। अब हम चलेंगे वॉच टावर की ओर। वॉच टावर बिल्कुल यहीं पे है, कैमरा एंगल हल्का घुमाऊंगा तो आप देख पाएंगे। ये जो रास्ता है सर वॉच टावर की ओर जाता है, आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है यहाँ। और एक छोटा सा मुझे लगता है कि वाटर जमा करने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया होगा। और यहाँ एक और पेड़ की देखिए पूजा की जाती है। और यहाँ से जो आपको व्यू नजर आएगा काफी खूबसूरत होगा। ये देख रहे हैं आप, ये है वॉच टावर। यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ से ध्यान रखते हैं जंगल का, कभी कभी पेड़ काटने वाले होते हैं या पोचिंग करते हैं या हंटिंग करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए वॉच टावर जो पूरे जंगल का आपको व्यू दिखाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जब हम वॉच टावर पर बैठेंगे जाकर तो आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से काफ़ी दूर तक दिख रहा है और ये ग्रीनरी। ये व्यू दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल, घर नहीं, कोई भी घर नहीं नजर आएगा आपको। और ये रहा शुभम जो कि पहले ही वॉच टावर पे चढ़ गया। और ये देखिए ये व्यू काफी खुश से पहुंच कर, और मैं भी काफी खुश हूँ। सिटी से दूर या अपने टाउन से दूर जाकर ऐसा जगह जहाँ पे कोई भी ना हो, नेचर और बिल्कुल शुद्ध हवा यहाँ पे मिलती है, तो प्योरिटी यहाँ पे लग रहा है, क्या वाइब्स आ रही है यहाँ से। और ये वही टावर और धूप भी काफी तेज है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं बरवालडे हिल के वॉच टावर पे, और ये हमारा था फाइनल डेस्टिनेशन। और आगे ऐसी वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक्स।